अंबिकापुर राजस्व विभाग के कारनामों से आज हर कोई हैरान व परेशान है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को भी जब राजस्व विभाग के अधिकारी दरकिनार कर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने लगे तब आम आदमी कहां जाए। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर में आया है। इस बारे में जो जानकारियां मिली हैं वे ये कि श्रीमती सुशीला साहू पति कृष्ण गोपाल साहू निवासी बैकुंठपुर ने कोतवाली थाना में लिखित शिकायत की है कि उनकी पुरखोती भूमि में खसरा नंबर 171 एक रकबा 0.79000 है व 166 एक रकबा 1.06400 है जो कि श्रीगढ़ अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग में स्थित है, जिसका वादा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने 17/8/2015 में इस भूमि पर स्थगन आदेश दिया। इसके बावजूद 6 अक्टूबर 2021 को राम बिहारी साहू पारस साहू व उमेश साहू निवासी सदर रोड के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर सतीश अग्रवाल से खसरा नंबर 171 एक को पंजीकृत विक्रय कर दिया गया है। मेरी माँ की पैतृक भूमि अंबिकापुर सदर रोड में है और श्रीगढ़ में जिस भूमि का विक्रय किया गया है वो 171/1 खसरा नंबर और उसको अवैध तरीके से पारस उमेश राम प्यारी अवैध तरीके से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बिलासपुर के स्थगन के बावजूद जबरदस्ती अवैध तरीके से अधिकारियों से साठ गांठ करके अवैध तरीके से बिक्री किया गया है। हमने इसका शिकायत थाना में दर्ज किया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। ज़मीन का वैल्यू करोड़ों रुपये में है, इसीलिए उस अधिकारियों से साठ गांठ करके श्रीगढ़ दरिमा मोड़ के जस्ट सामने है मेन रोड में। अच्छा। गैरी पटवारी रजिस्ट्रार तहसीलदार सबकी सहमति से हुआ है और उनसे पूछने पर बस पल्ला झाड़ देते कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमने साइन नहीं किया है, हमारा कोई साइन सिग्नेचर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पूर्व तहसीलदार महोदय से नाम काटने बाबत आवेदन लगाया था, उसमें भी उनको जानकारी करवाए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझ के पैसे के लालच में आकर ऐसा कार्रवाई किए हैं। करोड़ों रुपए की जो सतीश अग्रवाल अंबिकापुर के हैं उनसे बिक्री किए हैं। कुछ में है जो हमारी ज़मीन पुरखोती ज़मीन हमारी है, वो लोग अवैध संतान हैं, इसलिए स्टे इसमें कोर्ट को न्याय संगत दिखा, इसलिए स्टे दिया था कि खरीद बिक्री नहीं होगा, निर्माण कार्य नहीं होंगे। फिर भी अधिकारियों से मिलकर साठ गांठ कर पारस उमेश और राम प्यारी शपथ पत्र देते हुए कहते हैं कि